मुरादाबाद महानगर में हिदायत कॉम्प्लेक्स जिगर कंपाउंड पंडित नगला में एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यूपी वेस्ट चैप्टर ने किया सेमिनार का आयोजन। इस दौरान एडवोकेट तबारक अली चौधरी को बनाया जिला का कोऑर्डिनेटर। सेमिनार में पहुंचे नेशनल एग्जीक्यूटिव सदस्य अहमद अजीज साहब, जर्नलिस्ट असद अशरफ, जर्नलिस्ट इरफान साहब, एक्टिविस्ट दानिश अली, डॉक्टर छुट्टन खान, जमीरुल हसन, मुशीफक राजा खान ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मीटिंग APCRF की तरफ से रखी गई है। इस मीटिंग का उद्देश्य है अपने मौलिक अधिकारों को जानना और दूसरे लोगों के लिए मौलिक अधिकारों की लड़ाई लड़ना। आपको बता देना चाहेंगे, आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो अपने मौलिक अधिकारों को नहीं पहचानते, इसीलिए यह लोग या तो किसी दूसरे के जुर्म की सजा काट रहे हैं या सजा पूरी होने के बावजूद भी किसी कारण जेल से नहीं छूट पाए हैं, या फिर पैसे के अभाव में किसी गरीब को न्याय नहीं मिला है। APCR संगठन ऐसे लोगों की मदद के लिए बना है। वहीं जिला कोऑर्डिनेटर बने तबारक अली चौधरी ने संगठन को मजबूत करने और अति पिछड़े व गरीबों को हर संभव न्याय दिलाने की बात कही। मीटिंग में मुरादाबाद से बड़ी संख्या में पहुंचे अधिवक्ता मौजूद रहे। सर, आपका नाम? चौधरी तबारक अली, एडवोकेट जी। कहाँ से निवासी हैं? मैं मुरादाबाद का हूँ जी। अच्छा सर, एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, तो ये मीटिंग किस उद्देश्य से रखी गई थी आज? ये हमारा एक APCR चैप्टर चल रहा है जी। इसमें एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, यानी सिविल राइट्स के संरक्षण के बारे में हमारा जो APCR है वो काम कर रहा है जी। और ये जो है जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है आजकल शासन प्रशासन में वैसे भी, तो उसके आधार पर उसमें जो है हम अपना काम प्रोडक्शन में कर रहे हैं, जिससे कि गरीब मजलूम और जो वैसे बेगुनाह कुछ केसेस में फंस जाते हैं लोग, उनके लिए बेल का भी इंतजाम करते हैं और उनकी जमानत का, जो लोग सजा याफ्ता है जेलों में पड़े हैं और वो जुर्माने पर जुर्माने की सजा भी काट लेते हैं जब जुर्माना देने के लिए नहीं होता है जी, तो उसमें भी जो है हमारा APCR ग्रुप उस पर काम कर रहा है, क्योंकि जुर्माना जो है उनका जमा करने के बाद में उनको छुड़वाने का काम कर रहा है। जो बेगुनाह उसमें जेलों में पड़े हैं, वो आपका संगठन उनके लिए क्या कदम उठाएगा? नहीं, जो बेगुनाह पड़े हैं उनके लिए भी ये है कि अगर गरीब हैं, मजदूर हैं या मजलूम हैं जो उनके पास पैसा नहीं है, तो उसके लिए भी जो है हमारा APCR की तरफ से जितने भी अधिवक्ता हैं हमारे जुड़े हुए APCR से, वो उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं। ये आपका संगठन कहाँ कहाँ काम कर रहा है? ये हमारा संगठन लगभग 15 स्टेटों में काम कर रहा है। 15 स्टेटों में जी। सर, इसके जो संगठन के जो चेयरमैन है वो कौन है? चेयरमैन इसके हमारे पूर्व चेयरमैन थे केरला के जी, उन्होंने ये स्टेबलाइज किया था जी। अब जो है इसके संगठन के कर्नाटक के हैं जी, उनके अंडर में ये काम कर रहा है संगठन। तो आपको क्या इस समय? मुझे जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया गया है मुरादाबाद जिले में। मुरादाबाद जिले में जी। क्या अपेक्षा करते हैं आप? मैं यही चाहता हूं कि जो भी हमारे एडवोकेट्स हमसे जुड़े हुए हैं, APCR ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वो मजलूमों की, गरीबों की और उनकी जो है सहायता करें, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका काम करें, और जो बेसहारा है उनके लिए, जो मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, कोई भी है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी किसी भी जाति से है, हम उनके लिए जो है हर वक्त खड़े हैं। कोई भी गरीब आदमी है जो जिसके पास पैसा नहीं है या अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो उसकी मदद के लिए APCR ग्रुप हमारा चैप्टर काम करता है।